कल सीपी के हाई फाइव लॉन्च इन बार में कुमार सानू द्वारा गाए गए गाने मोहब्बत में तेरे सनम को लॉन्च किया गया। उनके साथ इस सॉन्ग को गाया है क्षितिज वेदी और दीक्षा सामीरिया ने। इस इवेंट में क्षितिज वेदी, दीक्षा सामीरिया, वैभव सक्सेना और गुंजन झा मौजूद रहे। तो आइए आपको भी सुनाते हैं इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मतलब लेजेंडरी सिंगर है डेफिनेटली, और उतना ही हम्बल है। और सबसे बड़ी बात जो है खासियत देखा कि मतलब आधे घंटे के अंदर उन्होंने गाना सुना और उस गाने में पूरी तरह से वो उस गाने को अपना लिया उन्होंने, और फिर जो चीज़ हम चाहते थे उन्होंने 10 मिनट में टेक दिया और पूरा गा दिया। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर जो ना मेलेडी ऑफ किंग ऑफ मेलेडी बोलते हैं 90s में, तो उनके साथ गाने मतलब करने का बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। आज सब लोग को पता होगा कि कुमार सानू जी का एक रिकॉर्ड रहा है एक दिन में गाना मैक्सिमम गाने गाने का रिकॉर्ड करने का। उसको हमने लाइव ऑब्जर्व किया था उस दिन, जिस तरह से मतलब एक गाना बनाने में ऑलमोस्ट हम लोग को 5 से 7 दिन 10 दिन लग जाता है उसके साथ कंपोजिशन और किस तरह से गाना है ये सब करते हुए म्यूजिक कैसे आनी है। बट जब सानू जी आए तो वहाँ पे लिटरली हम लोग भले ही कितने भी सिंगर से मिलते हैं एक लेजेंडरी सिंगर का अप्रोच गाने को लेकर के बहुत ही डिफरेंट रहता है। और इनका भी जैसे हमने इसके पहले पंकज दास जी के साथ किया था, शंकर माधवन जी के साथ किया था, तो ये वहाँ पे इसी वजह से पहुँचे हैं क्योंकि इनका जिस तरह से गाने को अपने रूम में उतार लेना और उसके बाद उसको रेंडर करना, तो हमारे स्क्रैच सिंगर या जितने भी हमने गाना बनाते वक्त किया था वहाँ से वो 10 times बेटर हो जाता है। तो दिस इज द इनपुट जो ये लेजेंडरी सिंगर्स दे देते हैं एक गाने को। मोहब्बत में तेरे सनम, तेरी नहीं होता बस मोहब्बत में तेरे सनम, ये रोमांटिक है। रोमांटिक मोड है और इसका बीट 6x8 स्टाइल में, जो कि हमारा टोटली फोकस था कि इसमें ऐसे भले ही ये आज 2022 में रिलीज हो रहा है बट इसकी फील, इसकी जो मेलोडी है, इसका जो किस तरह से म्यूजिक बना है वो 90s जैसा, 90s वाला। इसी वजह से सानू था, बिकॉज़ अभी जो गाने कुछ दिनों से चल रहे थे वो धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है और हर जगह आप देखेंगे कि 90s वाले गाने जो है वो टॉप पे चल रहे हैं, तो उस ट्रेंड को देखते हुए और लोग सबसे ज्यादा वही सुन रहे हैं, इसलिए उसी दौर में ले जाना चाहे। बेसिकली दिखाना चाह रहे थे कि लव परफेक्ट होना जरूरी नहीं है बट लव शुड बी ऑलवेज ट्रू। सो जैसे मैंने, दीक्षा ने, दोनों ने अपनी तरफ से गाया, मेल एंड फीमेल ने, सो हम दिखाना चाह रहे हैं कि प्यार ऐसी चीज़ है जो परफेक्ट नहीं होनी चाहिए बट ट्रू होनी चाहिए एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर, इसलिए मोहब्बत में तेरे सनम, सो दैट्स द टाइटल। आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, आपके फर्स्ट आपका डेब्यू है, तो आपने फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी आपका फर्स्ट टाइम शूट करने में? तो मैंने कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं, इन लोगों ने बहुत बहुत ही हम्बल और बहुत ही हेल्पफुली लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। एक्चुअली मैं एम्स से ही पास आउट हूँ, एक बार मैंने अपनी उसके थर्ड ईयर में हमें एम फॉर टैलेंट करके कॉन्टेस्ट आया था, आई पार्टिसिपेटेड इन दैट, और ये लोग, ये दोनों सर वहाँ पर जजेस थे, इन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया और बोला था कि आपको प्रॉमिस कर रहे हैं हम दैट आप लोग मेरा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड वॉरियर है एम्स का, जो पूरा कोविड वार्ड है ये पिछले 2 साल से 3 साल से संभाले रखी है, और उसके बावजूद उस दौरान इन्होंने रिकॉर्डिंग भी किया उस सिचुएशन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें भी अभी फिलहाल तो मैं दोनों साथ साथ कर रही हूँ, अगर अगर मेरा अच्छा सिक्का चढ़ गया सिंगिंग में तब तो शायद हाँ। मेरे को लगता है कि एक यंग सिंगर जिसको इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिले उसका एक्सपीरियंस तो अमेजिंग ही होना चाहिए, बट पर्सनली मेरा अमेजिंग से भी ज़्यादा और ज़्यादा अमेजिंग था बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। एंड जो बेसिकली हमने गाना किया है इसमें हमने दिखाया है कि एक कुमार सानू जी जैसे लेजेंड की आवाज़ एक मेरे यंग सिंगर
कि जैसी आवाज में वो चीज ब्लेंड हुई है तो उसका आउटपुट ही अलग निकल के आया। इतना कुछ मेरे को सीखने को मिला, मैंने इतना मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया, इतना कुछ मैंने सीखा, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा। डिफिकल्टीज मैम ऑब्वियसली इतने बड़े, जिस दिन हमारी रिकॉर्डिंग थी, हमने जब स्टूडियो हम रीच हुए थे, देन मेरे को अंदर से फील हो रहा था, हालांकि मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं, बट यू नो इतने बड़े लेजेंडरी के सामने परफॉर्म करना, रिकॉर्डिंग करना, एक अंदर नेचुरल आई थिंक थोड़ी नर्वसनेस तो होनी भी चाहिए बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ। सो थोड़ी डिफिकल्टी थी, बट थैंक्स टू मिस्टर गुंजन सर एंड मिस्टर वैभविया, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी एंड बिल्कुल कूल डाउन होकर मैंने रिकॉर्ड किया। ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने घर पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कि ऐसा कोई है ही नहीं कि लाइक यू नो कोई अनजान है, कोई बहुत ही बड़ा सिंगर है। मिस्टर कुमार सानू जी को मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था, अब तो और है, क्योंकि उनने हमको भी नॉर्मली बिल्कुल ट्रीट किया, बहुत ही हम्बल है। तो आई थिंक हम्बलनेस ही है जो एक इंसान को बहुत दूर लेके जाती है, एंड वो इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर से उनको सीखने को मिली, इट्स वेरी ट्रू। मैम मेरे 2-3 गाने ऑलरेडी लाइंड अप हैं करंटली, तो मैं इसी पे ही बहुत ज़्यादा लाइक इसको प्रमोट करने का ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन ट्रैक है फॉर नाउ, एंड आने वाले सॉन्ग्स मेरे बहुत सारे सिंगल्स हैं जो मैं खुद इंडिपेंडेंटली रिलीज करना चाहूँगा, थैंक्स टू वैभव भैया एंड गुंजन सर, हमारी टीम है, बिकॉज मुझे लगता है एक टीम होती है तभी आप बहुत आगे जा सकते हो, तो थैंक्स टू म्यूजिक रिकॉर्ड्स हमारी जो टीम है। सो यस मैम यही है। और म्यूजिक रिकॉर्ड्स के साथ हम अपनी कंपनी के साथ एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम बड़े सिंगर लेजेंडरी सिंगर जो उनके साथ हम नए टैलेंट को चांस दे रहे हैं, जैसे कुमार शानू जी के साथ क्षितिज दीक्षा आई, अगले प्रोजेक्ट में किसी बड़े सिंगर के साथ और न्यू टैलेंट्स को लाएंगे। अब आप लोग जैसे देखते हो ना, ये कई टैलेंट शोज होते हैं जिसमें आपका प्राइज होता है कि स्कूटी मिल गई, कैश प्राइज मिल गया, बट एक्चुअली टैलेंट शो का या टैलेंट सर्च के बाद प्राइज होना चाहिए कि उनको एक रिलीज मिल गया, उनको एक पब्लिक में अपने बेधड़क आने का मौका मिला एक ओरिजिनल कंपोजिशन के साथ। तो ये हमारा ट्राई है और इस कंपनी के साथ भी ये है कि हम लोग ये फॉर आर्टिस्ट्स बाय आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग आर्टिस्ट्स को, नए आर्टिस्ट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और उसके लिए अगर हमें कोलैबोरेट भी करना पड़ा बड़े सिंगर्स के साथ, उनको भी हम मनाते हैं कि ये है, तो दिस इज़ द होल इकोसिस्टम जिससे हम अब नए टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देते हुए लाएंगे, ताकि म्यूज़िक भी एक प्रोफेशन की तरह ले सके, ना कि एक हॉबी जो कि बाई चांस प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाती है लोगों के। तो देखा ना आपने इस सॉन्ग के सिंगर दीक्षा कामेलिया और क्षितिज देवी ने इस सॉन्ग के बारे में क्या कुछ कहा, उनका एक्सपीरियंस कुमार सानू के साथ बहुत अच्छा था और उन्हें उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिला, साथ ही इस म्यूजिक कंपोजर वैभव ने यहाँ आए थे और उन्हें भी इस सॉन्ग को बनाने में बहुत मजा आया। अब देखना ये होगा कि लोगों को ये सॉन्ग कितना पसंद आता है। फिलहाल के लिए ऐसे ही एंटरटेनमेंट जगत से